बेबी का स्टार्टिंग का जो लेटर है उसके बाद मैं एक नया बिजनेस ओपन करूंगी। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो बहुत दिनों के बाद मैं अपना व्लॉग अपने विलेज के पार्क से स्टार्ट कर रही हूँ, जो अभी होता ही नहीं है क्योंकि हम लोग आते ही नहीं है, लाइक शॉमिक भी नहीं आते। अभी समर है ना, हम लोग के वहाँ पे भी ट्रेल है तो शॉमिक वहाँ पे लेके चले जाते हैं। तो मैंने बोला शॉमिक को चलो आज थोड़ा वॉक करके आते हैं। मैं ज़्यादा वॉक नहीं करूँगी, सिर्फ थोड़ा ही वॉक करके मैं कार में बैठ जाऊँगी। तो अभी टाइम हो रहा है सुबह के 8:30 एंड हम लोग का ब्रेकफास्ट भी हो गया है। आज हम लोग सुबह मैं तो 6 o'clock ही उठ गई, फिर शॉमिक भी 7 o'clock ही उठ गए, फिर हम लोग ऊपर चले गए यानी हम लोगों के किचन पे। तो कल मैंने आलू का पराठा बनाया था ना, थोड़ा डो था तो मैंने बोला चलो मैं एग रोल कर देती हूँ 3 जन के लिए, क्योंकि राय को एग रोल बहुत पसंद है। एंड पहले ना एक्चुअली शॉमिक को लग रहा था, मैं बोलती हूँ ना ये लाइक हम लोग का विलेज का सबसे हैपनिंग एरिया है, तो राय लोग का आफ्टर स्कूल का पार्टी भी यहाँ पे ही होगा। एंड शॉमिक को लग रहा था कि ग्रेजुएशन का जो सेरेमनी है वो इस पार्क में होगा, तो मैंने शॉमिक को बोला नहीं नहीं वो तो स्कूल में ही होगा। तो चलिए थोड़ा वॉक करके फिर मैं कार में बैठ जाऊँगी। एंड मेरा मुंह देख के तो आप लोग समझ ही गए होंगे कितना फूल गया है मेरा मुंह। एंड जस्ट लुक एट द टाइम, इट इज़ 11:10। पार्क से आने के बाद ना वो मैंने छोटा चक्कर काटा एंड मैं 6 बजे उठी ना, मैं मुझे इतना नींद आ गया ना, मैं फुल सो गई। एंड मैं सो गई तो अभी ठीक है, यू नो अभी लास्ट का मैं स्टेज आप देखेंगे, यू फील वेरी टायर्ड। पर रैक्स को क्या हुआ, सी रैक्स भी फुल सो गया, लाइक फुल आई थिंक सो एट 9 o'clock, नहीं ऐसा 9:30 को मैं सो गई। लाइक शॉमिक नीचे काम करने चले गए, देन मैं ऐसा यू नो ऐसे फ़ोन देखते देखते फुल में सो गई, तो ये भी फुल सो गया। एंड हाँ, मेनी ऑफ यू आर टेलिंग मी विच इज़ ट्रू राइट, आप लोग बहुत जन बोल रहे हैं कि पायल तुम जिस कार पे हॉस्पिटल जाओगी, क्योंकि हॉस्पिटल बैग तो पैक ही हो गया, एटलीस्ट वो रख दो सब कार में। मैं जैसे शॉमिक को बोल रही हूँ ना कि हम लोगों ने जो कार सीट खरीदा है ये जैसे स्ट्रॉलर भी हो जाता है, तो मैं शॉमिक को बोला अरे तुम थोड़ा तो प्रैक्टिस करो, क्योंकि इसका बेस भी है यू नो हम लोग को लगाना है, इट विल बी ईजी फॉर हिम ना, बिकॉज बहुतों को मैंने देखा है कि लास्ट मोमेंट में जाके वो लोग करते, पर मैं जैसे बोलती हूँ थोड़ा तो हॉचपॉच होता ही है। तो दिस इज़ वन थिंग जो मैं सोच रही हूँ ना मैं करूँगी, सब कुछ जब पैक हो गया है कार में ही रख देती हूँ। तो अभी मैं सोच रही हूँ किचन में जाऊँ, सच्ची बात बोलूँ आज ना कुछ भी खाना बनाने का मन नहीं कर रहा है मुझे, सिर्फ मुझे रैक्स के लिए ही खाना बनाना है। तो आज आप सबको कोई भी रेसिपी मैं शेयर नहीं करूंगी, क्योंकि ये जो रेसिपी है किसी को भी नहीं देखना, क्योंकि ये रैक्सु बाबा का खाना बन रहा है अभी। तो रैक्सु बाबा का खाना बनाना इज वेरी इजी। तो ये रैक्स के लिए मैंने बिठा दिया, रैक्स के लिए ना मैं थोड़ा ज़्यादा अभी खाना बनाती हूँ ताकि एटलीस्ट 4 डेज तक तो चल ही जाए, क्योंकि ये तो अपना खुद का खाना खाता ही नहीं। यू वन बिलीव, मैं आप सबको फ्रिज में दिखाती हूँ कितना सारा रैक्स का खाना है। वेट, नीचे का पोर्शन देखिए फुल रैक्स का खाना से ही भरा हुआ है, सी द फार्मर्स डॉग रैक्स भी लिखा हुआ है। मैंने आप सबको दिखाया ना कितना सारा खाना सी फ्रिज में है। एंड दिस ऑल आर ना जैसे मैं बनाती हूँ ना ये लोग भी ऐसा बनाते, तो मैं शॉमिक को बोल रही हूँ ना यू नो डिलीवरी हो जाए चलो उसके बाद मैं एक नया बिजनेस ओपन करूँगी डॉग फूड बनाने का, गॉरमेट डॉग फूड बनाने का, बिकॉज दिस ऑल थिंग्स आर रियली इजी। नहीं वो बिजनेस में जोक कर रही थी, लाइक दिस ऑल थिंग्स आर रियली इजी। गूगल पे ना आपको सब मिल जाएगा कि डॉग फूड में क्या क्या प्रोपोर्शन देना है, क्योंकि पहले पहले ये बहुत खाता था, उसके बाद तो ऐसा दिखाओ ना ऐसा सूंघ के चला जाएगा, लाइक इंसानों से भी ना ज़्यादा नखरा ही इसका है। तो अभी रैक्स का ये खाना हो जाए फिर मैं देखती हूँ हम लोगों के लिए क्या बनाऊँगी आज। और मुझे खाना बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है, बिकॉज अब देखेंगे कुकिंग में आपको बहुत टाइम तक खड़े रहना पड़ता है। तो रैक्स का खाना इज़ डन। तो रैक्स का खाना तो बन चुका है एंड
अभी अमेजन से पैकेट आया, ये तो मुझे पता है इसमें क्या है मुझे नहीं पता है, तो चलिए ओपन करते हैं। या ओ, इसमें बेबी रिलेटेड ही है। यू नो थैंक यू आप लोग ना सब मुझे पहले वो लेके जाना वो लेके जाना। एंड अभी तक भी मैंने लाइक फुल टोटली तो नहीं खरीदा है, थोड़ा थोड़ा कुछ सामान तो चाहिए। सो मेनी ऑफ यू आर सेइंग मी जो ज़रूरी है कि ब्रश लेके जाना बेबी के लिए, अभी पता नहीं राय तो फुल टकली हुई थी तो देखते हैं। तो मैंने ये ब्रश खरीदा है, अभी मेन इसमें क्या है वही मुझे सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है क्योंकि काफ़ी हेवी लग रहा है। एंड आई होप सो मैं जो सोच रही हूँ वो ही इसमें हो, बिकॉज ओह इतना बोरिंग चीज है ना इसमें, मैं अब सबको क्या बताऊँ। मैंने एक्चुअली मैंगो ऑर्डर दिया था अमेजन से, मुझे मैंगो खाने का बहुत मन कर रहा था पर मुझे ये हेवी देख के लगा मैंगो है, तो इसमें है बहुत ही बोरिंग सामान। एंड ये सामान रैक्स को भी बिल्कुल पसंद नहीं है, दैट इज मुझे निकालने का रैक्स का वाइप्स है। मैंने चार एंड आज मेरा फुल डे ऐसा ही चला गया। यू नो शॉमिक ने खाना ऑर्डर कर दिया था, फिर मैं आके ना मुझे अच्छा नहीं लग रहा था तो फिर वापस से ना मैं सो गई थी, मेरा मुंह देख के अब सबको पता चल ही गया होगा। अभी टू बी वेरी फ्रैंक पता भी नहीं और मैं कितना रोज़ आई विल बी एबल टू मेक व्लॉग्स। आई फील वेरी बैड यू नो व्हेन आई कैन शो एनीथिंग, बट आई नो मेनी ऑफ यू आप सब लोग मुझे इतना प्यार करते हैं एंड मोस्ट ऑफ़ यू सेम ही ऑल्सो पाइल रेस्ट लो डेफिनेटली आई नो ये जो जर्नी होता है ना ऐसा स्टेइंग एक्टिव टिल द एंड बहुतों के लिए बहुत मुश्किल होता है। अभी बहुत जन कंपेयर करेंगे, मैं बोलूँगी यू नो बॉडी से कंपेयर करने का कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे रक्षु बाबा को कुछ भी नहीं हुआ है, देन ऑल्सो आज फुल वो सो रहा है, सुबह से मैं जितना टाइम सोऊंगी वो भी उतना टाइम सोएगा, तो मैंने राइस बिठाया है। ये है रेशमी कबाब एंड दिस इज रियली टेस्टी, ये वो लोग बहुत अच्छा बनाते हैं। एंड ये चिकन टिक्का है, मैंने शॉमिक आए थे मैंने शॉमिक को दे भी दिया है। तो ये है पंजाबी गोट, ये वो लोग बहुत तीखा बनाते हैं एंड काफ़ी टेस्टी होता है, बट ओनली यू नो इट इज सो ऑयली। तो यहाँ पे मैं अपने लिए राइस बना रही हूँ एंड वहाँ पे डाल के यहाँ पे ना एक डेजर्ट मिलता है विच इज ऑसम, लाइक स्पेशली मैं राय के लिए रहती हूँ क्योंकि अभी मैं मीठा लाइक मैं खाती ही नहीं हूँ, मैंने फिर भी थोड़ा खाया है। सी दिस इज़ लाइक चॉकलेट जैसे मेल्टेड ब्राउनी है, यहाँ से ना चॉकलेट ऐसा मेल्ट होता है, थोड़ा गर्म करेंगे तो अंदर से चॉकलेट मेल्ट होता है। एंड उसके साथ कॉम्बो इज़ द बेस्ट एंड दिस इज़ ओहो ये अभी गर्मी के कारण ना मैंने डीप फ्रीज पे रखा है। दिस इज़ गुलाब आइसक्रीम या रोज़ आइसक्रीम, तो द कॉम्बो यू नो इसके साथ ये ठंडा एंड ये गर्म दोनों मिला के खाना चाहिए, इतना टेस्टी लगता है ना। तो ये हर वक्त मैं राय के लिए लाती हूँ, ये हर वक्त नहीं मिलते स्पेशली समर टाइम में वो लोग बनाते हैं। खाना मैंने खा लिया है, अभी ना मुझे इतना सारा खाना या इतना ज़्यादा कुछ खाने का मन भी नहीं करता है, कल जैसे मुझे आलू पराठा खा के इतना मज़ा आया था ना, तो आज मैं एक ही प्रोडक्टिव काम करूँगी क्योंकि कुछ ना करूँ ना देन मुझे बहुत ऐसा लगता है कि अरे मैंने कुछ भी नहीं किया, मुझे ये अपना ड्रेसर साफ़ करना है तो वो ही मैं करूँगी। हाउ मेनी ऑफ यू आर कम्फर्टेबल कि आपका कोई कॉस्मेटिक्स फेंक दे, मुझे लगता है लिपस्टिक यू नो मेकअप का कुछ भी सामान फेंकने में बहुत दिल ऐसा उदास हो जाता है, बट डेफिनेटली मुझे बहुत सारा सामान डिक्लटर करना है, ऐसा भी हाफ ऑफ द थिंग्स तो मैं यूज़ ही नहीं करती हूँ, तो अच्छी तरीके से अभी मैं सब कुछ साफ करूँगी। ये सब एक्चुअली दिस ऑल आर इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है अगर हम लोग वंस इन ए वीक नहीं तो वंस इन ए मंथ करे, पर पता नहीं मैं कितने महीनों के बाद कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं अपना सारा आई शेडो पैलेट रख दूंगी, कुछ कुछ सिफोरा का मास्क है एंड रेक्स को देखो यहाँ पे गार्ड कर रहा है। तो फाइनली मैंने सब कुछ क्लीन कर दिया है एंड सी इट इज लुकिंग सो ऑर्गेनाइज्ड,
अगर आपको सिफोरा से ना स्पेशली फाउंडेशन के लिए ब्रश खरीदना है तो वेट आई विल जस्ट शो यू, सो बाय दिस वन अभी या वेट मैं आप सबको या दिस वन, ये ब्रश इतना बेहतरीन है ना, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा ब्लेंड करता है क्योंकि बहुत एसेंशियल है। एंड दिस ऑल तो यार मेरा जो डेली का सामान मैं यूज़ करती हूँ, ये रोलर भी काफ़ी अच्छा है, ये मैं पहले लास्ट टू लास्ट ईयर बहुत यूज़ करती थी। एंड ये रहा मेरा सीरम एंड निविया क्रीम एंड मेरा थोड़ा बिंदी एंड ये सब पोर्शन तो कुछ यूज ही नहीं होता है। तो राय बोल रही है कि मम्मी मैंने सेटअप देखा है, मुझे नहीं लगता है तुम जा पाओगी, तो मैं बोल रही हूँ मैं सकूंगी। हाउ मेनी स्टेयर्स आर देयर, सी स्टेयर्स से मुझे कुछ पड़ा, हाउ मेनी लाइक आवर होम फुल, इफ आई वॉक एंड गो देन oh this stairs times two mein sakunge, but I think so you should just go by the ramp way, it's much easier. oh ha ramp se chale jayenge, wohi main bol rahi hu na, because they will do wheelchair access right, yeah. jo bhi ho maine bola koi baat nahi main jaungi kyunki wahan pe there sitting arrangement hai na, yeah it seems sitting arrangement hai to koi problem nahi, oh wow rice going to speak to main baith ke hi dekhungi, but I'll definitely go dekh lenge koi baat nahi hai, at least wo sitting ka arrangement hai, nahi to main bol rahi thi na wo when you play na waisa ek seat rehta hai usko kya kuch ek bolte hai, you're not sitting on the bleachers, oh bleachers bolte hai to wahan pe that is impossible for me to, but aisa chair hoga to I can yeah. sit right. And now a very important thing which I want to discuss with all of you, because ye journey mein full aap log mere saath the and डेफिनेटली सभी दोस्त लोग मुझे पूछ रहे हैं, आप लोग भी पूछ रहे हैं पायल बेबी का नाम सोचा क्या, बेबी का नाम सोचा क्या, बिकॉज जो लोग यहाँ पे रहते हैं मुझे लगता है बाहर के सभी कंट्रीज में ऐसा होता है कि मुझे बताना कि यहाँ पे ना वंस द किड इज वंस द बेबी इज़ बॉर्न विद इन आई थिंक सो 24 आवर्स आपको नाम बोलना है, क्योंकि हॉस्पिटल से ही वो लोग बर्थ सर्टिफिकेट बना के देते, तो आपको नाम बोलना है, तो मुझे पहले ही सब मेरे दोस्तों ने बोला था पायल नाम सोच के, बिकॉज नेम इज़ समथिंग ना जो आप देखेंगे थोड़ा मुश्किल होता है, एंड नेम इज़ समथिंग ना लोग बहुत इमोशनली भी कनेक्ट होते हैं, तो द प्रॉब्लम अभी क्या होता है सी, हम लोगों का ना बहुत बिग फैमिली है, लाइक इट्स अ वेरी बिग फैमिली ना, कज़न मिला के शॉमिक के साइड में मेरे साइड में भी, तो अभी जो भी नाम सोचे हम लोग को ऐसा सोचना पड़ता है ना हाँ ये दूसरा किसी का तो नाम नहीं है, बिकॉज दे विल फील बैड राइट, तो कुछ नाम हम लोग सोचते हैं, फिर शॉमिक की मम्मी अरे ये तो उसका नाम है, मेरी मम्मी अरे ये तो उसका नाम है, तो आप लोग सब लोग मुझे बोल रहे थे कि पायल बेबी का स्टार्टिंग का जो लेटर है नाम का जो हम लोगों ने सोचा है, मैनी ऑफ यू सेड मी दैट पायल आर से रखना, विच देखा जाए इट्स वेरी प्रैक्टिकल, राय रैक्स एंड जो भी आएगा आर से, बहुत जन बोल रहे थे आर 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 रख दो, देखा जाए तो मूवी तो सुपर हिट है, नहीं मैं जोक कर रही हूँ, पर आर से ना अभी तक भी हम लोगों को इतना अच्छा कुछ नेम नहीं मिला, तो प्लीज़ मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, इफ़ यू नो एनी बॉय का नाम जो आर से है प्लीज़ कमेंट पे लिखना, पर डेफिनेटली द नेम शुड हैव ए मीनिंग, एंड यहाँ पे ना द नेम शुड बी ईजी ऑल्सो, बिकॉज मोस्टली स्कूल में यू नो वो लोग को प्रोनाउंस करना ईजी होना चाहिए, इसलिए राय का नाम भी मैंने इतना छोटा रखा था, मुझे छोटे नाम ही ज़्यादा पसंद है, तो इफ़ यू नो प्लीज़ हेल्प अस आर से कुछ नाम सजेस्ट कीजिएगा, एंड अदर थिंग इज़ कि आर नहीं होगा देन वी आर थिंकिंग ऑफ एस, शॉमी के पापा का नाम भी एस से स्टार्ट होता है, शॉमी का नाम तो एस से है, तो हम लोग सोच रहे थे ऐसा कुछ होता है ना एक जनरेशन चलता है, तो हम लोग एस से कुछ एक नाम रखेंगे, तो एस से भी आपको कुछ नाम पता है तो वो भी कमेंट पर लिखना, एस से हम लोगों ने एक नाम सोच के रखा है, अभी राय को वो नेम पसंद नहीं है, अभी क्या कर रही हूँ ना, राय को कुछ नेम पसंद नहीं आता है, कुछ नेम मुझे पसंद नहीं आता है, तो प्लीज़ हेल्प कीजिए, राइट डाउन इन द कमेंट अगर आपको आर से कुछ अच्छा लड़का का नाम पता है या एस से कुछ अच्छा लड़का का नाम पता है, अच्छा मतलब गुड नहीं, गुड नेम, गुड नेम जो छोटा भी हो एंड ईजी टू प्रोनाउंस हो एंड डेफिनेटली कुछ एक अच्छा मीनिंग हो, यू नो मीनिंग रहना बहुत ज़रूरी है, हम लोग आर और एस से ही सोच रहे हैं, तो चलिए आज का ये व्लॉग यही एंड करते हैं, एंड अभी टाइम इज़ अराउंड आई थिंक इट इज़ अराउंड 3:40,
तो मैं कोशिश करूंगी आप सबसे कल मिलने विद ए न्यू व्लॉग, एंड डेफिनेटली मुझे कमेंट पे बताना कि अगर इफ यू हैव सम नाइस नेम फॉर द बेबी, तो हम लोग के पास यू नो और सारे ऑप्शन होंगे. मैं जैसे बोल रही हूँ, कुछ नेम शौमिक को पसंद आते हैं, कुछ नेम मुझे अच्छे लगते हैं, कुछ नेम राय को पसंद आते हैं, जो नेम मुझे और शौमिक को पसंद आते हैं वो नेम राय को पसंद नहीं आता. तो राय लाइक नहीं, मैं तो ये नाम से कभी भी नहीं बुलाऊंगा. तो बहुत सारा प्रॉब्लम है, थैंक्स गॉड रैक्स ये सब में नहीं है, नहीं तो जस्ट इमेजिन क्या होता. तो चलिए आप लोग सब बहुत अच्छे से रहिए, मजे से रहिए, एंड मैं अभी अपने बिस्तर में जाके आई टेक लिटिल बिट ऑफ रेस्ट. चलिए बाय बाय.